35-40 डीसी भी है, 60-70 ट्रेक्टर उठे भाई, और देखिएगा जो आटली लाइन लगे नहीं गया आलू नहीं रहा। हमारी लेडीज ने भी मायरू साहेब बदी ने हम पुलिस हमने हमारे हथियार काटी ने आज इतनी इतनी पुलिस आ वेराउंड नी जुलम छे पुलिस नु आ जो हमारी दरगाही तोड़ी लाई की साहेब बदी आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात इस वक्त सुर्खियों में है और गुजरात हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाने में सुर्खियों में रहता भी है। पिछले दो दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सोमनाथ के अंदर किस तरीके से हजार साल पुराने 5 से ज्यादा मजारात को, ईदगाह को शहीद कर दिया गया, जबकि मामला कोर्ट में लंबित था। ये एक विषय। दूसरा ये कि पिछले कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सरकारों को एक ऑर्डर दिया और कहा कि 1 अक्टूबर से पहले किसी भी जमीन पर, किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर न फिराया जाए। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि सोमनाथ के कलेक्टर, सोमनाथ के एसपी, वो मेरे ख्याल से खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। शायद जो मामला है सोमनाथ ट्रस्ट, सोमनाथ की जो मजारात को जो शहीद किया गया, 2020 में ये मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा था। ट्रिब्यूनल में पिछले 26-27 तारीख को सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हम अक्टूबर में इस पर सुनवाई करेंगे। उसके बाद में कोर्ट, हाईकोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि हम भी जो है वो 8 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करेंगे। ये गुजरात हाईकोर्ट ने कहा। कोर्टों के अंदर मामले चल रहे थे। अचानक 23 सितंबर के रोज कलेक्टर की तरफ से नोटिस जाता है। जो ट्रस्टी हैं, उन ट्रस्टियों को नोटिस जाता है और कहा जाता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए 26 सितंबर को, और सारी चीजें आप जो भी आपके आई कार्ड वगैरह सब यहां पर जमा करवाइए। सब लोग जाते हैं, ट्रस्टी वगैरह और जो इसमें पिटिशनर हैं, कोर्ट वगैरह में जो लोग भागदौड़ कर रहे हैं, लोगों को जो लगता है कि भाई देखिए मुसलमान सो रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, बुलडोजर चल गए, तो मैं आपको बता दूं कई बरसों से सोमनाथ की एक टीम है, यासुद्दीन भाई खुद कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर हमेशा बातचीत की। हाईकोर्ट के जो लॉयर हैं ताहिर हकीम साहब, वो भी इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही है यासुद्दीन साहब की सोमनाथ का एक बड़ा कॉरिडोर बनाना है, इस वजह से ये राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। लेकिन जो देखा जाए, जिस तरीके से कानूनी मामला चल रहा है, कोर्ट के अंदर चल रहा है, ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है, ऐसी तो क्या जल्दी थी कलेक्टर साहब को कि सुबह 4-5 बजे आकर सारा डिमोलिश कर दिया, कोर्ट वोट और सुप्रीम कोर्ट और सब कुछ बिल्कुल ताक पर रख दिया, ऐसा लगता है। बिल्कुल, जिस तरीके से 2014 के बाद हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, संविधान को, न्याय को उठाकर ताक पर रख दिया गया है। अक्सर हमने ये देखा कि जहां कहीं पर भी ऐसे मामले आते थे तो वहां पे जो ट्रस्टी थे वो सोए पाए जाते थे, लेकिन पहली मरतबा मैं गुजरात में देख रहा हूँ। बहुत खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि बीटी सिद्धा साहब, नुसरत पांजा जी और इनके साथ में इस्माइल भाई, ये जो जिस तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे थे, और मेरा और हमारे वर्तमान विधायक इमरान खेड़ावाला के साथ भी हमेशा इनका रابطہ बना रहा था। इस मामले में जब भी कोई बात आती, इसमें बहुत सब लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया। एमसीएम के मुजाहिद नफीस भी इसके बारे में बहुत अपनी लड़ाई को लड़ चुके हैं। जमीयत उलमा हिंद ने भी इसमें इनको पूरा साथ ताउन देने की बात की। यानी समाज ने इसको बहुत गंभीरता से पहले भी लिया और आज भी ले रहा है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे एडवोकेट है हाईकोर्ट के ताहिर हकीम साहब, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने हाईकोर्ट में भी इसको प्रेजेंट किया, वहां ट्रिब्यूनल में भी इस केस को प्रेजेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी यानी सरकार की एक हट धर्मियानी जो इस तरीके से कानून व्यवस्था को ताक पर उठा के रख दिया है और अपनी मनमानी करते हुए जिस तरीके से इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि इस सरजमीन हिंदुस्तान पे हमको अगर किसी पे भरोसा है तो सबसे पहले हमारे अल्लाह पे और हमारे नबी पे। तो हम ये जानते हैं कि उसके सिवा हमारा कोई नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा कोई नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो संविधान है, हमारी जो जो न्याय प्रणाली है, हमारी जो न्यायपालिका है,
उसमें भी हमको बहुत बड़ा भरोसा और एतमाद है कि चाहे ये गीर सोमनाथ कलेक्टर ने जिस तरीके से भी जुल्म को किया हो, लेकिन अल्लाह की जात से भी उम्मीद है और संविधान और हमको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जरूर इसमें हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि हर कानून कायदे व्यवस्था को रूल्स को बाजू पर दरकिनार करके इन्होंने काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अवगणना है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक तारीख तक कहीं पर बुलडोजर नहीं चल सकता है रेलवे की जमीन और रोड पर आने वाले कोई अतिक्रमण के अलावा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 1 अक्टूबर तक, यानी जो रेलवे के था अतिक्रमण और रोड का था, कि इन बातों को छोड़ करके तुम कहीं पर भी अतिक्रमण पे तुम बुलडोजर नहीं चलाओगे, 15 दिन में कोई बहुत पहाड़ टूट जाने वाला नहीं है, 1 अक्टूबर को हम लोग इसकी गाइडलाइन तय करेंगे और आपको बताएंगे। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की भी बिल्कुल ये अवहेलना है, उसकी अवमानना है, लेकिन हमें पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि जिस तरीके से यहाँ का जो ये वेरावल प्रभास पाटन के आगेवान जो है, स्थानीय आगेवान जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है के नामदार हाईकोर्ट में आज ही जो है कि पीआईएल भी दाखिल हो जाने वाली है और सुप्रीम कोर्ट तक, यानी मरते दम तक इन्होंने लड़ने की बात की है। यानी इतने अच्छे तरीके से इन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने आगेवानों ने काम किया, एक आगेवान तो अभी जब हफ्ते पहले यहाँ पे मुद्दत चल रही थी वक्फ बोर्ड में और हाईकोर्ट में, तो इनके आगेवान थे वहां के प्रभास पाटन कब्रस्तान के बाबा भाई पट्टन वाले, तो उनका तो बिचारों का यह देहांत हुआ है। यहाँ पर उन्होंने इस काम की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी शहादत दी है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वहां के जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मैं तो ये मानता हूं कि गुजरात के और लोगों को भी सबक इससे सीखना चाहिए कि जिस तरीके से वहां के लोकल स्थानीय आगेवानों ने इस लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ा। ठीक बात है कि जो सरकारी तंत्र है उसका साथ नहीं मिलने से ये काम हुआ है, लेकिन आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जरूर हमको यहाँ पर जो है यहाँ पे कामयाबी यहाँ पे मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। दूसरा ये कि मीडिया का रोल एक बार फिर से बड़े सवालों के घेरे में है। मीडिया जिस तरीके से जो खबरें चला रहा है, अतिक्रमण हटा दिया और जिस तरीके से एक बनाया गया, एक और ऐसा दिखाया गया कि भाई वक्फ जो है वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेता है, एक तरफ वक्फ बिल को लेकर तमाम चीजें चल रही है, दूसरी तरफ गुजरात सरकार की तरफ से इस तरह की चीजें की जा रही है। मीडिया का रोल आप देखें कि जो वहां के बीजेपी के जो MLA हैं उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया, वहां पर जाकर मुसलमानों को समझाया, हिंदुओं से भी कहा, कांग्रेस के MLA माफ कीजिएगा सॉरी कांग्रेस के जो MLA हैं जिन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदुओं को साथ में आना चाहिए, साथ में लड़ना चाहिए इंसाफ के लिए, विमल भाई चुड़ासमा जो कांग्रेस के MLA हैं, लेकिन मीडिया बता रहा है कि कांग्रेस के MLA ने तो भड़काया वहां पर जाकर। मीडिया का रोल बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में गुजरात की घटना को लेकर। अब ये जो मीडिया का रोल सबके सामने खुला हुआ है कि पिछले 2014 से 2024 तक किस तरीके से इनका रोल रहा है, अगर मीडिया ने अपने रोल को सही तरीके से अगर निभाया होता तो मैं मानता हूँ कि आज देश के लोगों की मानसिक स्थिति भी ना बनी होती और हिंदू मुस्लिम में इतना जहर भी पैदा नहीं हुआ होता। इसलिए मीडिया को तो उसका राजधर्म उसका निभाना चाहिए और इसीलिए लोगों को पता है कि आज वक्फ जो है वो कानून लागू है। उस वक्त में भी इस तरह अपनी मनमानी सरकार करती, अगर ये वक्त के कानून में तब्दीली कर दी गई तो तुम समझो कि क्या होगा। इसलिए इसी वजह से कि बहुत मजबूती के साथ वक्त के मामले को लेकर के भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है। वक्त का जब यहाँ पे परसों जो GPC आई थी उसमें भी हमारे गुजरात के एकमात्र विधायक इमरान खेड़ावाला ने बहुत मजबूती के साथ इनके जो दो साथी जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको लेकर के बहुत मुखर होकर के वहां पर उसका पुरजोश उसका विरोध भी किया था और 14 सुधार हमारे MLA ने वहां पर इस बारे में दिए थे और इस चीज को समझते हुए दिए थे कि हमको जो है इसमें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, जब कानून है तो ये हाल है, अगर कानून ना होगा तो ये क्या स्थिति पैदा कर देंगे। बिल्कुल, इमरान खेड़ावाला साहब ही कांग्रेस के विधायक वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। चूंकि गुजरात में अब वाहिद एक मुस्लिम MLA है इमरान खेड़ावाला साहब, तो अब माहौल के मुताबिक जिस तरीके से होता है तो एक उम्मीद रहती है कि भाई विधानसभा में अब यासू भाई जिस तरीके से बढ़ चढ़कर उठाया करते थे मामले को, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर भी आई इमरान भाई के विधानसभा में इस मामले को उठाना, क्योंकि कोर्ट और ये तमाम चीजें तो चलती रहेगी। अब जिस तरीके से ये होता है कि एक बार डिमोलिश कर दिया, कब्जा ले लिया, तो उसके बाद तो कोर्ट के अंदर तो मामले चलते रहते हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है जनता को जो गुमराह करने की, मुसलमानों को लेकर, वक्फ की जमीनों को लेकर, तो एक बड़ा चैलेंज, बड़ा टास्क आपके सामने भी होगा विधानसभा में। इंशाल्लाह जो कल की जो घटना बनी है वेरावल पाटन की, सुबह से मैं यासुद्दीन शेख साहब, VT सीडा साहब, नुसरत भाई पांजा, इस्माइल भाई, सभी लोग हम लोग कॉन्टेक्ट में थे। कल डिमोलिशन हो रहा था, सरकार की तरफ से जिस तरह से कोर्ट की बात या ट्रिब्यूनल कोर्ट की बात या कलेक्टर की बात, ये कोई सबको दरकिनारे रखकर उन्होंने डिमोलिशन किया है। जब वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद है, केस पेंडिंग है, चल रहा है कोर्ट के अंदर,
फिर भी जिस तरह से जो डिमोलिशन हुआ, जो मजार शहीद कर दिए गए, कब्रिस्तान को तोड़ दिए गए, उनके जो रहने के जो मकान थे वो तोड़ दिए गए, तो गुजरात के अंदर जिस तरह से अभी आज का माहौल जो है, हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि गुजरात के माहौल को जिस तरह से इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश करी है पूरे देश के लिए, वो यहाँ से एक शुरुआत कर रहे हैं। तो जो भी वहां के स्थानीय लोग हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि इन्होंने ये लड़ाई 2014 से, ऐसा नहीं है कि 2014 से ये लड़ाई इन्होंने लड़ी है और आज चाहे इंसाफ हमको नहीं मिला है ये निचली कोर्ट के अंदर, लेकिन अभी हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। तो जब ये आज समझो आज हमारे एडवोकेट ताहिर हकीम साहब और भी दो एडवोकेट है सब कांटेक्ट में, दिल्ली के जो एडवोकेट है वो भी सब कांटेक्ट में, उन लोगों ने सब अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके कि हम लोग सरकार को बता सकते हैं, कोर्ट को बता सकते हैं कि हमारे पास 1947 के डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हमको ये जगह दी गई है और आज भी समझो पोजीशन हमारे कब्रिस्तान और जो अंदर जो दरगाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वो उनके पास रिकॉर्ड के अंदर है। लेकिन सरकार या कलेक्टर, मैं समझता हूं कि आज जो कलेक्टर या पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे वो सिर्फ सरकार के चिट्ठी के चाकर बन गए। ये बड़ा वो है कि एक आईपीएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी जनता के सामने झूठ कहते हैं कि नहीं हम कुछ भी बुलडोज नहीं करेंगे, कुछ तोड़ने वाले नहीं हैं हम, और उसके बाद में सबको समझा के घर भेज दिया जाता है और उसके बाद में बुलडोजर चला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, वो खुद उसकी धज्जी उड़ा रहे हैं, शपथ की भी धज्जी उड़ा रहे हैं। अब ये सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग ये सब अच्छी तरह से समझते हैं कि भाई हम लोगों ने जो इनको ये प्रोग्राम करना होता है कि डिमोलिशन का करना है, कुछ करना है, तो सरकार पहले से ऐसे अधिकारी को वहां अपॉइंट कर देती है। तो जब सरकार की हाँ में हाँ करते हैं तो उनको देखना चाहिए कि सरकारें तो बदलाती रहती है, लेकिन हमको जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने जो हमको हक दिया है, आप जब नौकरी करते हैं सरकार की, जब वो शपथ लेते हैं तो उसको आपको चलना है। मिनिस्टर कोई कहता है, कोई एमएलए या एमपी आपको कहेगा, इसके मुताबिक नहीं चलना है आपको, तो संविधान है, आपने जो शपथ ली है उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा गुजरात के अंदर नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो घटना जो बनी है, तो हम तो कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम उस पर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स जो पुराने समझो 200-300 साल पुराने भी डॉक्यूमेंट्स, हाँ रिकॉर्ड्स है, वो जमीन के रिकॉर्ड्स है और वो जो हेरिटेज के अंदर कहीं जो इसमें आते हैं वो, तो जो मजार थे तो उनके रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। तो ये रिकॉर्ड के आधार पे मैं समझता हूँ कि इसमें चौकस उम्मीद हमको है कि हमको इंसाफ मिलने वाला है। लेकिन अभी जो मैं माहौल जो जिस तरह से हो रहा है उसके लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हम लोगों को कानून को और जो 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 हमारे संविधान है उसको हमको बिल्कुल भरोसा रखना है हमको, और आने वाले दिनों के अंदर हमको इंसाफ मिलेगा। तो लोगों से यही अपील है मेरी कि शांति बनाए रखें, और जिस तरह से कोर्ट और जो नामदार हमारी हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम उसमें अभी इसको केस को ले जाएंगे, उसके अंदर हमको इंसाफ मिलेगा। तो लोगों से मैं शांति की अपील करता हूं कि अब हमको टोले बन के रोड के ऊपर आने की जरूरत नहीं है, हमको अब जो करना है कानून के मुताबिक करना है। तो जो भी है सरकार के सामने हमारी बात है, हम सरकार के सामने हमारी बात को कोर्ट के जरिए रखेंगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, ये पुरावे, ये आधार पे हमको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा यासुद्दीन भाई, जिस तरीके से 70 लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने, झूठ बोलकर उनसे कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, अपना आई कार्ड लेकर आइए, कुछ लोगों का कहा कि एसपी ऑफिस पर आइए, तो लोगों ने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट्स लेकर एसपी ऑफिस पर क्यों आना है, कलेक्टर ऑफिस में जाना चाहिए हमें तो, और 70 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो ये किस तरह का, यानी कोई डर ही नहीं है ना कोर्ट का, ना संविधान का, ना कानून का? बिल्कुल, लोगों को गुमराह करके, आगे वालों को गुमराह किया। ये बात जैसे ही कल सुबह हमको पता चली, तुरंत ही इमरान खेड़ावाला जी और मैंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी साहब के भी के बात को इसको संज्ञान में लाया कि आगे वालों की तात्कालिक जो है उनको नजर के जो क्या है उनको मुक्त करना चाहिए, उनको उनके घर वापिस से जाने देना चाहिए और ये तात्कालिक बाकी जो कार्रवाई बंद करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा वक्त के बाद उन्होंने उसका अमल करते हुए आगे वालों कल फिर शाम के वक्त में उन्होंने जाने भी दिया। लेकिन ये बहुत एक धोखाधड़ी का मामला सरकार के इतनी जबरदस्त चापलूसी अधिकारियों ने करने में, और उसमें गिर सोमनाथ का कलेक्टर और गिर सोमनाथ के जो डीएसपी है उन्होंने तो यानी एक इंतहा कर दी है कि जिस तरीके से ये मामले को लेकर के तो बहुत बड़े विवाद पैदा हुई है, लेकिन इसके अलावा भी जो डिमोल्यूशन हुआ है उसको लेकर के वहां बहुत बड़े आंदोलन भी हुए हैं इनके खिलाफ, और इनकी मनमानी के खिलाफ वहां की आवाम को भी बहुत जबरदस्त गुस्सा है। मैं मानता हूं कि इनको संवैधानिक तरीके से इनको अपनी फर्ज को ईमानदारी से निभा
आना चाहिए, सरकारों के दबाव में आकर के इसी नाइंसाफी की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर कई बार मायूसी भी होती है लोगों में कि भाई देखिए कोर्ट में भी कुछ सुनवाई नहीं हुई, कोई कानून को मान ही नहीं रहा है। तो वैसे भी मुसलमान तो ऐसा से कम तरीका शिकार है, और इस तरह की जब घटनाएं होती है तो कुछ लोग अपना अलग इसमें का वो भी तलाशने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए मुसलमान तो सो रहा था, कुछ किया नहीं। तो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, मायूस नहीं होना चाहिए, इसी जनता को और क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, कल ही जब कल सुबह से ही नुसरत पांजा साहब का, इमरान खेड़ावाला जी का, मेरा संपर्क वेरावल के लोगों ने किया, उस वक्त में हमने संयुक्त रूप से भी और अलग तरीके से भी जब जब भी हमको फोन आए, हम तीनों ने लोगों से यही कहा है कि हौसला और हिम्मत को हमको रखना है, संविधान पे और न्याय प्रणाली पे हमको भरोसा करना है, और हमको उम्मीद है कि हमारे डॉक्यूमेंट इतने अच्छे तरीके से मजबूती के साथ वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है कि हम इसके अंदर, हमको हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह जरूर हम लोग कामयाब होंगे। इसलिए हमको अमन शांति भाईचारा बना रखना है, कानून को हमारे हाथ में नहीं लेना है, बल्कि कानून की हमको रक्षा करनी है और कानून पे हमको भरोसा करना है। और ये बात को और वहां के भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी निभाया, और वहां पर हमने देखा कि वहां की आवाम ने भी किसी तरीके की ऐसी कोई यानी हरकत नहीं की कि जिससे कि यानी जो मामला वहां पे बिगड़े या माहौल खराब हो। वहां की जनता को भी हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बहुत समझदारी के साथ संयम बनाते हुए इस मामले को लिया, और पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा है हमको हमारी न्याय प्रणाली पर, संविधान पर, कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि पहला किस्सा, मैं आपको पहले भी दो मरतबा कह चुका कि पहला किस्सा ऐसा है कि वेरावल जो प्रभास पाटन के जो मजारात है, जो दरगाह है, इसके जो ट्रस्ट के जो लोग है, वीडी सिद्धा साहब है, बाबा भाई पट्टन वाले जिनका बेचारों का देहांत हो गया, इस्माइल भाई है, और ये लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को लेकर के पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं और आगे की भी लड़ाई चालू है, और आज भी गई कल से यही कोशिश चल रही है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को ले जाकर के इसकी लड़ाई को अंतिम सांस तक भी लड़ करके इसमें इंसाफ को लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासुद्दीन भाई। वहीं सौराष्ट्र के, वेरावल के, सोमनाथ के कई ऐसे इश्यूज जो होते हैं मुसलमानों से जुड़े हुए या इंसानियत से जुड़े हुए मुद्दे, तो अक्सर नुसरत पांजा जी उठाते रहते हैं ऐसे मुद्दों को, हम उनसे भी आज बात करेंगे। नुसरत जी, जिस तरीके से ये जो मामला चल रहा है, द्वारका में भी पहले इस तरह की कई घटनाएं अंजाम दी गई कि मजारात को शहीद किया गया, अब वेरावल का मामला है, इस मामले में तो कोर्ट के अंदर भी मामला पेंडिंग है, पुराने रिवन्यू रिकॉर्ड्स में भी सारे मामले दर्ज हैं, काफी भागदौड़ आप इसमें कर रहे हैं इंसाफ के लिए। सोहेल भाई, मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूं। अतिक्रमण हटाने के लिए पहले साबित करना होता कि यह अतिक्रमण है। बिल्कुल, किसी कोर्ट ने या वकफ ने या ट्रिब्यूनल ने यह साबित नहीं किया है कि अतिक्रमण है, और जिस तरह अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स बुलाई गई, 2000 पुलिस, 3 डीएसपी, जो पुलिस और शासन ने जो कार्यवाही की उसको मैं अपनी तरह अलग नजरिए से इसलिए देख रहा हूं कि अगर आप जिम्मेदारों को गलत तरीके से बुला के उनको नजर कैद करोगे तो जो आवाम है, जो ये आस्था से जुड़ी हुई है, जो आप सो कॉल अतिक्रमण हटाने के लिए जा रहे हो, तो मॉब को कंट्रोल कौन करेगा? हमारे वेरावल के मुस्लिम समाज के प्रमुख अफजल भाई, पाटन के नूरुद्दीन भाई, यूसुफ भाई और ईसा भाई पटेल और ऐसे कई जिम्मेदार लोगों को रात को 4 बजे बुला के बिठा लेना और इसके बाद अतिक्रमण करना और लोग बाहर आ जावे, डेमोन्स्ट्रेशन करे आपके खिलाफ और आप अपनी मन की जो इच्छा है उसको पूरी कर लो। वेरावल ने कई कम्युनल दंगे देखे, ये रिकॉर्ड है। अगर जिम्मेदार लोग अंदर हो गए तो वो मॉब को कंट्रोल कौन करेगा? बिल्कुल, आस्था से जुड़ा हुआ मामला, ये मेलाफाइड इंटरेस्ट से पूरा मेलाफाइड इंटरेस्ट है ये, और ये गलत तरीके से अतिक्रमण है ही नहीं, और 800 साल का रिकॉर्ड है, और जब देश आजाद हुआ इसके बाद भी कहा गया है कि 1947 के पहले के जितने मोनूमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक है कि उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल, और इतनी जल्दबाजी थी क्या कि आपको किसी भी मजारात को शहीद कर देना, कब्रिस्तान को शहीद कर देना, कब्रों को हटा देना, इसके पीछे की मंशा सरकार की कुछ और है? यानी मुसलमानों को कहीं तरीके से पूरे देश में उकसाने की, उथलाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए इसमें मुसलमान बहुत संयम बरतते हैं, मुसलमानों को ये पिछले 2014 से पता है, ये वेरावल का पहला बनाव नहीं है, ऐसे कई बनाव है जो देश भर में मुसलमानों के उकसाने के लिए कई किस्म के हथकंडे किए गए, लेकिन मुसलमानों ने संयम रखा है। और मुसलमानों ने संयम इसलिए रखा है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के आईन पे संविधान पे भरोसा है। हमको कलेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, कलेक्टर ने जो किया वो जो भुगतना है वो आज नहीं तो कल भुगतेंगे, कानूनी उसके लिए कानूनी, लेकिन कलेक्टर ने गलत किया है। और ऐसे हमने बहुत किस्से देखे हैं कि जिन लोगों ने गलत किया है उनको फ्यूचर में उनके आने वाले दिनों में जब वो रिटायरमेंट के बाद घर बैठते तो उनका क्या अंजाम होता है ये भी हमने देखा है। बिल्कुल, तो वो तो भुगतना है उनको, लेकिन हमको संविधान पे भरोसा है और हम आज भी नाउम्मीद नहीं है। हम जितने मजारात जितनी जगह है जितनी हमारी कब्र गाय जो उखाड़ के फेंक दिया है और मलबा बना दिया है वो आज नहीं तो कल भी हमको संविधान पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है। और ताहिर हकीम साहब, यासुद्दीन भाई, इमरान भाई, वली मोहम्मद भाई सब मेहनत करते हैं। वेरावल के भी लोकल लीडर है अफजल भाई, हमारे वेरावल मुस्लिम सभा समाज के प्रेसिडेंट है, वो भी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं संयम बरतने में और लोगों को शांत करने में और सच्ची बात करने में। लेकिन मैं आज एक बात कहता हूँ कि जितने भी वेरावल के लोगों ने संयम रखा है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मोमिन होता है वो कभी मायूस नहीं होता है। और एक बेहतरीन मिसाल यहाँ पर वेरावल के लोगों ने भी दी कि वो हिंसा का रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया, कानूनी एक रास्ता है, सरकारें आती जाती रहती है, जो इस तरह के जो अधिकारी हैं जो रबर स्टैंप बनकर काम करते हैं उन्हें जो है वो सोचना चाहिए कि आगे उनकी जिंदगी कैसी रहने वाली है। कोर्ट के मामलों के अंदर उलझ कर कई ऐसे अधिकारियों की रिटायर होने के बाद की जिंदगियां कैसे गुजरती है, वो जो मौजूद रबर स्टैंप जो अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।